So finally, we present to you the much awaited Goa vlog! Goa wale beach pe, rani aankhe meech pe, thande thande beer piyenge dono. Lights, camera, rolling, action. She is underdressed, Parnita, and together we are the quarrelsome duo. So, अभी आने वाला है बहुत 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 interesting vlog, जो कि है हमारा Goa vlog. So, of course, Goa जाने की दिलों तमन्ना सबको होती है चाहत. तो हमने finally Goa का 35 सालों का plan successful करके हम लोग finally पहुंच गए थे Goa. तो आइए चलिए सब मिलके देखते हैं. Oops, sorry. ये थोड़ा wrestling हुआ हो गया. Anyway, so let's look at Goa through our eyes. So sit back, have your bucket of popcorn and enjoy our Goa vlog. Yay! Chalo Goa vlog the 1, 2, 3. ये जगह तो जो भी कोलकाता में रहते हैं सबको पता है. दिस इज द ग्रेट हावड़ा ब्रिज. हम लोग निकल रहे हैं घर से, हम लोग चल रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ. और ये हम ऑलरेडी पहुंच चुके हैं कोलकाता एयरपोर्ट. यू सो एक्साइटेड टू गो टू गोवा. Look at this beautiful Goa airport. I swear Goa airport is so 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 beautiful. And देखो यहाँ पे already Goa का feeling आ चुका है भाइयों. मतलब इतने beautiful cafes वगैरह देख. ये हमारी दीदी अपना सारा लगेज लेके जा रही है एयरपोर्ट से बाहर. और बाहर आते Goa देखो. Man, look at the roads, look at the greenery. इतना beautiful जगह है ना Goa. सच में ये churches है गोवा के. मतलब हर तरफ आपको गोवा के ये मतलब चर्चेस दिखेंगे. आई नहीं आई. आप बताइए आप क्या कर रही हैं? कुछ नहीं, मैं यहाँ पे. कोई गोवा पहुँचते ही अपने काम पे लग गया है. मतलब आते ही मैगी शैगी बनाना शुरू. मैगी और तो फैन सबके साथ बैठ के ऐसे मैगी खाने का मजा ही कुछ आ रहा है ना दोस्तों. तो टेस्टी. ये ना मैंने सोचा कि पहले आपको ना टूर दे देते रूम का. बेटा रूम तो पूरा बिखरने वाला है थोड़े देर में. ये देखो इतना ब्यूटीफुल सा रूम था हमारा. ये हमारा बालकनी था. ये हम जा रहे बाथरूम की तरह. और ये मेरा शक्ल मिरर में आए. ये आपका जो ये सब बोलते करिए. हाँ, और ये था हमारा शावर एरिया. और ये हमारा ब्यूटीफुल सा रूम के अंदर एक और बेडरूम. ये बेड रखा था यहाँ. एकदम ब्यूटीफुल सा किड साइज बेड था. ऊपर देखो एसी भी दिया हुआ था. फैट चैक सब आप. लेट अस सी द बीचेस ऑफ गोवा. मतलब होते हैं कुछ लोग वैसे वो बीच टाइप पर्सन. सो मतलब ये ना बिल्कुल वो बीच टाइप पर्सन है. पानी के साथ खेलना, पानी का मजा लेना. लुक एट द वेव्स, मिल्की वाइट वेव. और ये गिरी. एंड दिस इज द क्लिप ऑफ द ब्यूटीफुल सनराइज फ्रॉम गोवा. हम सुबह सुबह उठ के सब आपके लिए सनराइज कैप्चर करने के लिए गए थे. कितना सुंदर से सन बाहर आ रहा है. अपने सारे दिन के काम के लिए बिल्कुल रेडी है हमारा सन. और ये वापस हम पहुंच गए हैं बैक टू द बीचेस, बैक टू द ब्यूटीफुल बीच. कहाँ है तुम्हारा क्रैब? हमें ना बीच में ये प्यारा सा फ्रेंड मिला था, दिस क्रैब. बीच फ्रेंड है.
अब ये कौन चढ़ गया ये पहाड़ के ऊपर बीच में पूरा पानी, ये कौन है, ये भगवान, ये तो हमारी कोरल से डूबी लड़ाके ने, ये चढ़ गई बीच में ऐसे, ये भगवान देखो देखो कहाँ पे ये चढ़ी थी, कहाँ से चढ़ के आ रही है पानी के अंदर से, क्या भाई गिरोगी ना तो पूरी गई। गोवा वाले बीच पे रानी आंखें मीच के ठंडे ठंडे बियर पियेंगे दोनों फोटो खींच के।
हम सारी कसरत के बाद गोवा में वाटर स्पोर्ट्स कर रहे हैं। और ये तो आप तो पहचान ही रहे हो ये कौन है। ये अभी बैठ चुकी है अपना बाइक राइड के लिए। दिस इज द वाटर बाइक राइड। और आगे कितना मस्ती होने वाला देखो। वाटर बाइक राइड। सच्ची बोलूं डर तो यार लगता है, जो भी बोलो थोड़ा सा तो डर लग ही जाता है। और ये ब्यूटीफुल फिशेस को देखो, मतलब इनको हम खाना दे रहे थे ना, बिस्किट दे रहे थे, ये हमारे पास और ज्यादा आ रहे थे और इतने ज्यादा हमारे पास आके तो अच्छा लग रहा था ना ये, मतलब व्यू ये फिशेस के साथ। हम ना पानी के और अंदर जा रहे थे स्पीड बोट में। इस टाइम तक तो हम सारे लोग फ्रेंड्स हो गए, मतलब जो भी शायद गोवा में थे सभी हमारे फ्रेंड्स हैं। सबके लिए पोस्ट वोस्ट कर रहे थे, बस वीडियोस बना रहे थे। और ये देखो कौन है, ये वो बनाते हुए पानी ये भैया तो मतलब जो डर गए थे दहशत इतनी मुंह में दिख रहा था। और मेरी दीदी भी अभी रेडी है, जा रही है। अच्छा लग रहा था भाई वहां से। और इस पे जैसे ना हमें स्पीड बोट पे और अंदर पानी में लेके जा रहे थे। ये हमारा टाइम था स्कूबा डाइविंग का। तो दोस्तों ये था हमारा स्कूबा डाइविंग डे। और स्कूबा डाइविंग के टाइम ना इन्होंने हमारे हाथ में ऐसे नंबर्स लिख के रखे थे, पानी में तो ये पहचान ही पाएंगे, तो इस नंबर से हमारी पहचान होगी। पानी के अंदर क्या होता है वो भी आज दिखाते हैं। तो ये है ब्यूटीफुल कोरल्स। ये कोरल्स जो होते हैं ये पानी के अंदर रहते हैं और ये बिल्कुल लिविंग होते हैं। लिविंग ये देखो फिशेस दिख रहे हैं आपको, मतलब वहां पे फिशेस, कोरल्स, जेलीफिश, स्टारफिश, हमने इतना कुछ देखा पानी के अंदर स्कूबा डाइविंग करते हुए। मतलब ये लाइफ लाइफ का बेस्ट डे एवर था। मैं तो बोलूंगी आप सब एक बार पानी के अंदर जाके देखो कि मतलब इतना सुंदर है ना ये नेचर हमारा, इतना सुंदर है, सबको एंजॉय करना चाहिए एक बार। अंदर रख देगा ना, ये सारा दिन बीच के अंदर मस्ती करेगी, सारा दिन बीच में खेलेगी। बीच उसका इतना फेवरेट जगह है ना सच में।
साउथ गोवा में वी स्टेड इन दीज ब्यूटिफुल हट्स विच आर जस्ट लोकेटेड ऑन द बीच इटसेल्फ एंड दे आर सो ब्यूटिफुल. मतलब सामने आपको टोटल बीच का व्यू मिलता है. आप जब चाहो बस खिड़की खोलो, अपने गेट्स खोलो और चले जाओ बीच में, नहाओ दो, मजे करो, जो करना है करो बीच में. और ये जो हट्स थे ना, ये बहुत ज़्यादा भी प्राइसी रहे थे, दे वर बजट फ्रेंडली ऑल्सो एंड दे वर वेरी नाइस. तो मैं तो आपको सजेस्ट करूँगी अगर आप गोवा आ रहे हो तो इन ही हट्स में रहो, दे आर वेरी 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 ब्यूटिफुल. खाना भी मिला था, ये देखो राइस डाल रही है दीदी, बस टेस्टी सा राइस, ये था सांबर, टेस्टी सांबर खा लीजिए जी, ये चना का सब्जी था मैडम, चना का सब्जी भी खा लो मैडम, ये प्लेट में ढाल लो चना का सब्जी, और ये कुछ कैबेज का सब्जी, ये अचार, ये पापड़म, सैलडम खाओ, और ये स्वीट डिशम, टेस्टी स्वीट डिशम था दोस्तों. और ये एकदम तुरंत रोटी बना रहे थे ये अंकल, खा रहे थे चिकन अब, जो चिकन अब ठूसे अंकल हो, और दीदी भी अभी चिकन अब ठूस रही है. अन्ना सी, अन्ना सी कीपिंग द प्लेट एंड टेकिंग आउट चिकन, चिकन चिकन, ओनली चिकन, नो ग्रेवी. साउथ गोवा में ना आपको ये ब्यूटीफुल फोर्ट्स मिलेंगे एंड बहुत ही ज़्यादा शांति मिलेगी साउथ गोवा में आपको, और नॉर्थ गोवा में ना बहुत भीड़ मिलेगा. ये देखो कैसे ये सुंदर से फोर्ट भी जा रही है, और यहाँ से जो व्यू मिलेगा आपको ना, भगवान, कहीं आपने ऐसा इतना ब्यूटीफुल व्यू नहीं देखा होगा सच में. से आने के बाद इतना सैड हो गई थी, ये खुद एयरपोर्ट में बैठी थी, मुझे नहीं जाना, मुझे वापस गोवा जाना है, गोवा जाना. तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी करो सब्सक्राइब, तो अंदर आ जाओ, एक बार बजाना, दो बार मत बजाना, वरना कुछ नहीं दिखेगा. जल्दी से घंटी बजाओ, अंदर आ जाओ और हमें जल्दी से फेमस बना दो. ये This was all about our video. Please, please, please like, share and subscribe to our channel. Our, मतलब हमारा और आपका दोनों का channel. Please.